हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम भारत के असम राज्य के ग्वालपाड़ा ज़िला, उसके ज्योग्राफी, टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह पर बात करने जा रहे हैं। ग्वालपाड़ा ज़िला असम के बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िला है। ज़िला का मुख्यालय ग्वालपाड़ा टाउन है। ग्वालपाड़ा टाउन पहाड़ी इलाका पर असम की राजधानी दिसपुर यानी गुवाहाटी शहर से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज़िला की क्षेत्रफल 1824 स्क्वायर किलोमीटर से, जबकि यहां की आबादी 2021 में 11 लाख क्रॉस कर चुकी है। ग्वालपाड़ा टाउन ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ में बसा हुआ है। ग्वालपाड़ा टाउन का असम के उन शहरों में शुमार है जहां ब्रह्मपुत्र रिवर के पास स्थित है। ग्वालपाड़ा टाउन असम का बहुत ही खूबसूरत ज़िला है। यहाँ से सबसे निकटवर्ती एयरपोर्ट लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी है। ग्वालपाड़ा में एक रेलवे स्टेशन है जो ग्वालपाड़ा टाउन के नाम से जाना जाता है, जिसका कोड है GLPT। वैसे तो ग्वालपाड़ा टाउन से सभी जगहों के लिए वीकली यानी साप्ताहिक ट्रेन मिलती है, लेकिन ग्वालपाड़ा से ट्रेन यात्रा के लिए या ग्वालपाड़ा को विजिट करने के लिए न्यू बंगाईगांव रेलवे स्टेशन बेस्ट है, जो यहां से लगभग 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ग्वालपाड़ा ज़िला एक पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ कई सारी छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध श्री सूर्य पहाड़, टुकड़ेश्वरी पहाड़ वगैरह है। श्री सूर्य पहाड़ ग्वालपाड़ा टाउन से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पहाड़ पर हिंदू, बुद्ध और जैन धर्म के बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। कुल मिलाकर यहां पर 107 प्रतिमाएं हैं। असम के माघ बिहू में पूर्णिमा के दिन यहाँ पर 3 दिनों तक मेले का आयोजन भी होता है। आपको बताते चले कि मेघालय में स्थित बारारा चिबिनान बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यह ग्वालपाड़ा के बिल्कुल पास स्थित है। यहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। पिकनिक मनाने के लिए यह जगह बहुत ही फेमस है। टूरिस्ट यहाँ पर पहाड़ों के अलावा कई सारे लेक, नदियाँ वगैरह देख सकते हैं। नदियों में सबसे प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, बाकी सब उसके सहायक नदी है। इन सहायक नदियों में दूधनी नदी, कृष्णा नदी, सिंचरम नदी और जिनारी नदी हैं। पहाड़ियों और नदियों के साथ साथ खूबसूरत झीलें भी हैं। यहाँ के लोग इन्हें बिल के नाम से पुकारते हैं। इसके प्रमुख झीलों में उर्पत बिल, हसीला बिल और कुमरी बिल आदि शामिल हैं। इनमें उर्पत बिल यहाँ की सबसे बड़ी झील है, जहाँ पर स्थानीय लोग मछली शिकार करते हैं। ये झील पक्षियों के लिए भी संगम स्थल है। ग्वालपाड़ा ज़िला वन्य जीव के लिए असम में मशहूर है। वन्य प्राणी के लिए अभी तक असम सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं ली गई है, जिसके कारण जंगली हाथी द्वारा हर साल यहाँ के किसानों को भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। वैसे लोगों में मशहूर है कि गुवाहाटी में स्थित उमानंद रिवर आइलैंड दुनिया के सबसे छोटा रिवर आइलैंड है। पुराने ग्वालपाड़ा के पास आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच एक टीला देखने को मिलेगा, जो उमानंद रिवर आइलैंड से भी छोटा है। इन सब के अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे पुराना सैनिक स्कूल वह भी ग्वालपाड़ा के मोरनोई में स्थित है। आप यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ सबसे लंबे रेलकम ब्रिजेस में से नरनारायण सेतु भी देख सकते हैं, जो ग्वालपाड़ा जिला के पंचरत्न गांव को बंगाईगांव जिला के जोगीखोपा शहर से जुड़ता है। आपको बता दें कि नए साल के मौके पर नॉर्थ ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों से लोग ग्वालपाड़ा जिला की विजिट करते हैं। ग्वालपाड़ा असम में एकमात्र ऐसा जिला है जो एसामीस लैंग्वेज के अलावा अपनी अलग एक भाषा से भी पहचान रखता है। ग्वालपाड़िया संगीत, जिसे ग्वालपाड़िया लोकगीत से जाना जाता है, असम के अलावा मेघालय, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में प्रसिद्ध यानी विख्यात है। ग्वालपाड़ा जिला के पूर्व में गुवाहाटी, उत्तर में बंगाईगांव, बरपेटा और पश्चिम में धुबरी जिला, जबकि दक्षिण में मेघालय स्टेट है। ग्वालपाड़ा के दुधनी से मेघालय के मंदी पथार के बीच चलने वाली ट्रेन भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे रोड में से एक है। असम और मेघालय के बीच चलने वाली ये ट्रेन आपको सपनों के हसीन दुनिया की सैर करा देगी। पहाड़ों, वादियों, सुरंगों, लंबे छोटे पुल वगैरह से होकर चलने वाली ये ट्रेन अपने ही देश में होने के कारण विदेशी लोकेशन की तुलना में ज़्यादा किफ़ायती भी है। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर आप ग्वालपाड़ा से हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए।